हेलो एवरीवन। तो आज हम आगे देख रहे हैं चैप्टर में फंक्शनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने इसमें जो है कल कितनी चीज़ें देखी थी, हम ज़रा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो हम वो चीज़ें एक बार देख लेते हैं। हमने इसमें देख चुका है कि प्रोसीजर ऑफ पासिंग का बिल हम देख रहे थे, ठीक है, कि फर्स्ट रीडिंग कैसे होती है, सेकंड रीडिंग कैसे होती है, फिर कमिटी स्टेज पे क्या होता है, रिपोर्ट स्टेज पे क्या होता है, थर्ड रीडिंग में क्या होता है, और फिर जो है लोकसभा, मतलब कि जो पहली हाउस है उससे किस तरह से चीज़ें खत्म हो जाती है, मतलब उस तरह वहाँ पे जो है बिल पास हो जाता है, फिर उसको दूसरे हाउस को दिया जाता है, फिर दोनों ही हाउसेस के होने के बाद प्रेसिडेंट से असेंट मांगा जाता है, फिर क्या बोलते हैं, जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनरी बिल जो है उसको वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है अगर उसको नहीं पसंद आया है तो, लेकिन मनी बिल जो है वो उसको क्या बोलते हैं रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता, ठीक है। साथ में हमने ये देखा था कि जो अगर दो बार जो है लोकसभा राज्यसभा ने मिलके कोई चीज पास कर दी तो प्रेसिडेंट के पास और कोई चारा नहीं बचता है और उसको अपना एसेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने देखा, हमने मनी बिल के बारे में देखा कि कैसे जो मनी बिल के मामले में जो हमारा राज्यसभा है उसकी पावर कितनी लिमिटेड है, लिमिटेड क्या बोल सकते हैं, नेग्लिजिबल है। लोकसभा जो है सारे पावर्स फाइनेंशियल मैटर्स में उन्हीं के पास है। हमने ये सारी चीजें देखी, जो बिल है वो वहीं पे इंट्रोड्यूस होता है, क्या बोलते हैं, लोकसभा में, ठीक है। उसके बाद हमने एग्जीक्यूटिव्स के बारे में देखा कि कैसे वो एक थर्ड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है और किस तरीके से इस ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट की वजह से जो बाकी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो हमने ये सारी चीजें देख चुकी है। उसके बाद आज हम ये देखेंगे द प्रेसिडेंट, ठीक है, कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या चीज है। सो लेट्स सी द प्रेसिडेंट। द हेड ऑफ द इंडियन यूनियन इज द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इंडियन यूनियन का जो हेड है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कलीग, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट है वो कैसे इलेक्ट किया जाता है, एक इलेक्टोरल कलीग से इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब इट कंप्राइजेस मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस एंड इलेक्ट मेंबर्स ऑफ द स्टेट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो इट कंप्राइजेस मतलब यहाँ पे इट कौन है, बेसिकली ये जो इलेक्टोरल कलीग है ना, इसके अंदर बोथ द हाउसेस से मेंबर्स रहते हैं, ठीक है, बोथ द हाउसेस से इसके अंदर मेंबर्स रहते हैं और इलेक्टेड मेंबर्स भी रहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज से, ठीक है। अगर किसी को भी प्रेसिडेंट बनना है तो उसकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए वो हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्या कि ही या शी, एक तो सबसे पहले वो सिटीजन होनी चाहिए इंडिया की, सेकेंडली व्हाट, वो 35 इयर्स ऑफ एज से ज्यादा होनी चाहिए और शुड हैव क्वालिफिकेशन टू बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और उसके पास एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सके, गेटिंग। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एक प्रेसिडेंट के पास होनी चाहिए, तो क्या होगा उसको हम क्या बोलते हैं, ये कह सकते हैं मतलब तो वो क्वालिफाइड हो जाएगा या हो जाएगी प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए। सो आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ भी लिखवाने जैसा है इस, हाँ एक मिनट, फोर्थ पॉइंट भी है, शुड नॉट बी ऑन एनी ऑफिस और प्रॉफिट इन द यूनियन और एनी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट कहीं पे भी वो किसी प्रॉफिट के ऑफिस में नहीं होनी चाहिए, प्रॉफिट के ऑफिस में नहीं होनी चाहिए इन द सेंस कि वो कोई पेड काम ना कर रही हो या कर रहा हो, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ये कुछ चार पॉइंट्स हैं किसी भी प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन के लिए। अगर हम ये पूरा जो टॉपिक है वो देखें द प्रेसिडेंट, तो इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब एज सच इसमें दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये कि प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट किया जाता है इलेक्टोरल कलीग से, याद रखना, और इसको मैं बता देती हूँ, ठीक है, इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कलीग, ठीक है। इलेक्टोरल कलीग के बारे में वो पूछ सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी पहले कर चुकी है। जो इलेक्टोरल कलीग होती हैं उसमें बोथ मेंबर क्या बोलते हैं, बोथ द हाउसेस के मेंबर्स रहते हैं, और स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर भी रहते हैं, जो कि इलेक्ट करे गए हो, ठीक है। और बाकी तो क्वालिफिकेशन की बात है, तो यहाँ पे तीन चार दिए ही हुए हैं, है ना, और ये ऑलरेडी पॉइंट में है, तो आई डोंट थिंक इसको लिखवाने की जरूरत है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको देख लेना, इंक्लूडिंग दिस,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में हमने देख लिया, अब अपन देखते हैं कि पावर क्या है एक प्रेसिडेंट की। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल द पावर ऑफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव वेस्ट इन द प्रेसिडेंट। ठीक है, कि अगर हम अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देखें, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलता है उस हिसाब से ऑल द पावर्स ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव वेस्ट इन द प्रेसिडेंट। ठीक है, सारे के सारे जो पावर्स होते हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के, वो कहाँ पे बैठे रहते हैं, प्रेसिडेंट के पास रहते हैं। ठीक है, ही शी विल यूज दिस पावर और कॉसेस टू बी यूज बाय द सबऑर्डिनेट स्टाफ। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट जो है वो इस पावर को यूज कर सकती है, ठीक है, कर सकता है, या फिर सबऑर्डिनेट स्टाफ को यूज करवा सकता है एज पर 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके हिसाब से इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट शॉल फंक्शन ओनली अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। उसके हिसाब से ये बोला गया कि प्रेसिडेंट जो है वो तभी फंक्शन कर सकता है, मतलब शॉल फंक्शन ओनली अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, एंड मतलब जो कैबिनेट, जो उसके कैबिनेट मेंबर्स होंगे वो जो एडवाइस करेंगे उसी के हिसाब से जो है प्रेसिडेंट को फंक्शन करना चाहिए, एंड सच एडवाइस शॉल बी बाइंडिंग अपॉन हिम। और वो जो एडवाइस सारे लोग मिलकर करेंगे वो उसके लिए बाइंडिंग होनी चाहिए, मतलब कि उसको उन्हीं लिमिटेशन में रहना चाहिए। ठीक है, अपनी मनमर्जी नहीं करनी चाहिए, बेसिकली उसको सारे ही कैबिनेट मेंबर्स की सुननी चाहिए, ऐसा कहा लिखा है 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रेसिडेंट के लिए ऐसा लिखा गया है। ठीक है, अभी आगे अगर अपन देखें तो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, अगर हम प्रेसिडेंट के पावर की बात करें तो ये दो टाइप की है। सबसे पहले क्या अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस और पावर्स ड्यूरिंग पीस टाइम। ठीक है, तो जब ऑर्डिनरी कंडीशन है, जबकि कोई प्रॉब्लम नहीं है देश में, सब कुछ फाइन है, तो उसको हमने क्या बोला है, ऑर्डिनरी कंडीशंस बोला है। और तब जब पीस टाइम, ठीक है, मतलब शांति फैली हुई है जब हर जगह, तब क्या पावर्स होते हैं प्रेसिडेंट के। और अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस ऑफ पावर ड्यूरिंग इमरजेंसी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन मतलब कि जो कंडीशंस बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं, इमरजेंसी का टाइम भी हो सकता है, तो ऐसे टाइम पे उसके पावर्स, तो दोनों ही टाइम पे प्रेसिडेंट के अलग अलग पावर्स हो सकते हैं, तो हम डिटेल में उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इस पैराग्राफ के जो शॉर्ट में जो भी बोलेंगे, नोट्स बोलेंगे, वो लिखवा देती हूँ।
ठीक है, तो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले तो किस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन सारे पावर कहाँ पे लाई करते हैं, प्रेसिडेंट के पास लाई करते हैं। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट के में अगर अपन देखें तो प्रेसिडेंट जो है उसको कैसे एक्ट करना है, कैबिनेट मेंबर्स के एडवाइस पे उसको एक्ट करना है। ठीक है, दो तरह के उसके पावर्स होते हैं, ऑर्डिनरी कंडीशंस में और ड्यूरिंग एमरजेंसी में। ठीक है, अभी हम एक एक को, मतलब कि जब ऑर्डिनरी कंडीशन है तब पावर क्या होते हैं एग्जीक्यूटिव के, अच्छा नहीं वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम देख रहे हैं पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, सो पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। ठीक है, तो अगर हमें प्राइम मिनिस्टर अदर मिनिस्टर से मिलना है तो उनकी जो अपॉइंटमेंट है उनके बारे में हम देख रहे हैं। आफ्टर द इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ सच पार्टी एज प्राइम मिनिस्टर विच हैज वॉन द इलेक्शन विद मेजोरिटी। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्शन हो जाते हैं, जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं तो हाउस ऑफ पीपल मतलब कि जो लोकसभा है उसका जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है, एक जो अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, कैसे, जो लीडर होता है मेजोरिटी पार्टी का। ठीक है, वो क्या बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, द लीडर ऑफ सच पार्टी एज प्राइम मिनिस्टर विच हैज वॉन द इलेक्शन विद मेजोरिटी। ठीक है, मतलब जो भी पार्टी मेजोरिटी से जीती उसका जो लीडर होगा वो क्या बन जाएगा, प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। इफ एनी वन पार्टी हैज नॉट सिक्योर्ड मेजोरिटी देन द प्रेसिडेंट एट हिज हर डिस्क्रिशन अपॉइंट सच पर्सन एज प्राइम मिनिस्टर हु कैन गिव अ स्टेबल गवर्नमेंट आफ्टर ऑब्टेनिंग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द हाउस। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी पार्टीज जो होती हैं एक अलायंस फॉर्म कर लेती हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है, बहुत छोटी छोटी पार्टीज हो सकती है जो इलेक्शन में जिन्होंने पार्ट लिया है, तो किसी को भी मेजोरिटी नहीं बोल सकते, किसी को भी मेजोरिटी वोट्स नहीं मिले। तो ऐसे टाइम पे प्रेसिडेंट क्या करेगा, ऐसे टाइम पे प्रेसिडेंट जो है उस इंसान को प्राइम मिनिस्टर बनाएगा उन पार्टीज में से जो एक स्टेबल गवर्नमेंट को ऑब्टेन कर सकता है। और ये कैसे होता है, पूरे लोकसभा के वोट से, पूरे लोकसभा के कॉन्फिडेंस से ये चीज होती है कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। ठीक है, सो इफ एनी वन पार्टी हैज नॉट सिक्योर मेजोरिटी प्रेसिडेंट एट हिज हर डिस्क्रिशन अपॉइंट सच पर्सन एज प्राइम मिनिस्टर हु कैन गिव अ स्टेबल गवर्नमेंट आफ्टर ऑब्टेनिंग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द हाउस। ठीक है, इतनी बात हो गई। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर एज पर द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये चीज हो गई अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। ठीक है, वर्क रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट्स अपन देख लेते हैं यहाँ पे। क्या है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, एम्बेसडर्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ इंडिया एंड ऑफिसर्स ऑन अदर इम्पोर्टेंट पोस्ट। ठीक है, द प्रेसिडेंट मेक्स अपॉइंटमेंट्स ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स गवर्नर्स। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर्स को अपॉइंट करता है, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स हो गए, एम्बेसडर्स फॉर फॉरेन कंट्रीज हो गए, अटर्निटी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, कॉम्प्ट्रोलर या फिर ऑडिटर ऑफ इंडिया एंड ऑफिसर ऑन अदर इम्पोर्टेंट पोस्ट हो गया। द प्रेसिडेंट मेक्स अपॉइंटमेंट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो जो ये अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट इन द सेंस वो अपॉइंटमेंट नहीं कि भैया हमें किससे मिलना है, नहीं, अपॉइंटमेंट मतलब कि अपॉइंट करना, ये जितने भी चीज जगह है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर भी देखा जाए तो कौन अपॉइंट कर रहा है कहने को, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो उसी तरीके से प्रेसिडेंट ही जो है रिस्पॉन्सिबल है इन सारे जो भी ऑक्यूपेशन का नाम लिया गया है यहाँ पे, उनके चेयरमैन को, एम्बेसडर को, जो भी मैंने यहाँ पे बोला, अटर्नी जनरल को, उन सबको अपॉइंट करने का काम भी किसको है, प्रेसिडेंट को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो अगर प्रेसिडेंट को इसकी जिम्मेदारी दी गई है तो वो अपॉइंट कर रहा है, और इस अपॉइंट को मतलब ये
कौन से पर्सन को हमें यहाँ पे बैठाना है, कौन से पर्सन को हमें इस जगह के लिए अपॉइंट करना है, इसको कहा गया है वर्क रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट ये नहीं कि किसको प्रेसिडेंट से पर्सनली मिलना है और उस अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, नहीं, समझ में आया, ये इस अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। तो एंड में उन्होंने क्या बोला है, द प्रेसिडेंट मेक्स अपॉइंटमेंट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंटमेंट्स करता है ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मतलब खुद अकेले अकेले नहीं करता, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से करता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से भी करता है। ठीक है, ये इतनी चीजें क्लियर है। ठीक है, अब अपन आके देख लेते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर से पहले हम ये दोनों लिख लेते हैं, ये पॉइंट वन और पॉइंट टू लिख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि प्राइम मिनिस्टर को कैसे इलेक्ट किया जाता है, कि आफ्टर इलेक्शन द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी, मतलब कि इलेक्शन के बाद जो लीडर होता है, मतलब जो जो भी लीडर है, लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी है ना, तो मेजोरिटी पार्टी का जो भी लीडर है वो बंदा क्या बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। प्रेसिडेंट उसको, प्राइम मिनिस्टर को जो पद है वो अपॉइंट कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी एक पार्टी जो है इतनी मेजोरिटी से नहीं जीती है, ठीक है, कोई एनी वन पार्टी हैज नॉट सिक्योर मेजोरिटी, ठीक है, तब क्या करेगा प्रेसिडेंट, एक ऐसे बंदे को चुनेगा
उन्हीं में से जो कि एक स्टेबल गवर्नमेंट को ऑब्टेन कर सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, वर्क रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखनी है अपन को अच्छे से कि प्रेसिडेंट जो है इन सारे लोगों को अपॉइंट करता है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स हो गया, एम्बेसडर फॉर फॉरेन कंट्रीज हो गया, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, चेयरमैन हो गया, मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, ठीक है, कॉम्प्ट्रोलर हो गया एंड ऑडिटर ऑफ इंडिया। मतलब कि ये सारी चीजों को जो है जो अपना वो होता है अपना क्या बोल सकते हैं अपना जो प्रेसिडेंट होता है वो इन सारे लोगों को अपॉइंट करता है। क्या ये अकेले अपॉइंट करता है? नहीं, ये सबसे ज्यादा ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो इन सबको अपॉइंट करता है ऑन एडवाइस ऑफ। ठीक है, तो मिनिस्टर्स और जो अपना प्राइम मिनिस्टर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, तो इन सबके एडवाइस के साथ जो है ये वो अपना ये अपॉइंटमेंट वाला काम करता है। ठीक है, आगे अपन देख लेते हैं। ये तो अपने देखा एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में, पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव के बारे में हमने ये चीज देखी। अभी हम देख रहे हैं लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में। वन सेकेंड,
ठीक है, तो इसके बाद अपन देख रहे हैं लेजिस्लेटिव पावर्स को. द प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का, जैसे कि इसमें उन्होंने बोला है. द प्रेसिडेंट हैज फॉलोइंग पावर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. जो प्रेसिडेंट है उसके पास कुछ फॉलोइंग पावर्स है. ठीक है, अगर अपन लेजिस्लेचर की बात करें तो, ठीक है, तो देख सकते हैं. अच्छा, अपन ने ऊपर क्या देखा था, अपन को क्लियर रखना है यहाँ पे प्रेसिडेंट के परस्पेक्टिव में बात हो रही है. पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट हमने देखा कि ऑर्डिनरी कंडीशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन. अब हम देख रहे हैं कि इन्होंने ये चीज स्पेसिफाई नहीं करी है, बट ये चीज पढ़ के तो समझ आई गई है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट के पावर की बात हो रही है. प्राइम यहाँ पे क्या बोलते हैं अपॉइंटमेंट में, ये एक्सिक्यूटिव पावर्स में क्या पावर है प्रेसिडेंट की, वो हमने यहाँ पे बात करी. अभी लेजिस्लेटिव पावर्स में भी हम यही बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट की क्या पावर्स है लेजिस्लेटिव पावर्स में. ठीक है, तो ये इस चीज की क्लैरिटी रखना. और यहाँ पे बहुत सी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे प्रेसिडेंट ने किस किस को अपॉइंट किया, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो कैसे अपॉइंट किया जाता है. अगर जैसे मेजोरिटी है फिर तो ठीक है, अगर मेजोरिटी नहीं है तो कैसे होता है. तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज में आ भी सकती है. ठीक है, अभी अपन आगे देखते हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में देखते हैं. ऑलरेडी पॉइंट्स में दिए हुए हैं, फिर भी याद रखना जो चीजें ऑलरेडी पॉइंट्स में दी हुई है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो उसको नजर अनदेखा नहीं करना है अपन को कभी भी. टू समन द पार्लियामेंट टू होल्ड अ सेशन, टू एडजर्न इट एंड टू डिसॉल्व इट. ठीक है, तो ये क्या है, ये समन द पार्लियामेंट मतलब क्या, ये प्रेसिडेंट का पावर की बात कर रहे हैं. ठीक है, कि भैया पार्लियामेंट में एक सेशन चलाने की बात हो गई. ठीक है, पार्लियामेंट को जो है चालू करने की बात हो गई, खत्म कर देने की बात हो गई, कोई भी चीज हो, तो उसका पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है. ठीक है, तो अब यह हो गया अपना पहला पॉइंट. टू एड्रेस कंबाइंड सेक्शन ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन एंड देयर आफ्टर एवरी ईयर. ठीक है, टू एड्रेस कंबाइंड सेक्शन ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कंबाइंड सेक्शन ही कंबाइंड सेशन. ठीक है, तो जो है ना कंबाइंड सेशन जो होते हैं दोनों ही हाउसेस के, उन्हें रखना बोथ क्या बोलते हैं हाउसेस, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के जो कंबाइंड सेशन होते हैं, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो कंबाइंड सेक्शन होते हैं हर साल. ठीक है, जनरल इलेक्शन एंड देयर आफ्टर एवरी ईयर. ठीक है, जो हर साल ये चीजें होती हैं, उसको भी कौन एड्रेस करता है, उसको भी अपना प्रेसिडेंट एड्रेस करता है. फिर क्या हो गया, टू नॉमिनेट 12 मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट्स से, राज्यसभा से जो 12 मेंबर्स नॉमिनेट करने होते हैं. मैंने आपको बताया था पहले भी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स में जो कुछ मेंबर्स होते हैं, जितने भी उनके मेंबर्स होते हैं, कुछ 238 या समथिंग मेंबर्स होते हैं, आई एम नॉट श्योर, पर जो भी है, तो उसमें से जो 12 मेंबर्स हैं वो सिलेक्ट नहीं किए जाते हैं. मैं क्या कह रही हूँ, हाँ, तो ये जो जिस सारे मेंबर्स होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से जो है इलेक्ट होके जाते हैं और राज्यसभा में राज्यसभा को फॉर्म करते हैं, राइट. तो अब ये जो 12 मेंबर्स हैं वो वहां से नहीं जाते, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से ये 12 मेंबर्स नहीं जाते हैं, बल्कि ये 12 मेंबर्स अलग अलग आर्ट फील्ड से, अलग अलग जो है पॉपुलर फील्ड से जो है जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनको चुना जाता है ये 12 मेंबर्स बनाने के. मतलब ये 12 जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग सेलिब्रिटीज होती हैं या फिर अलग 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 फील्ड के जो प्रॉस्परस लोग होते हैं वो होते हैं बेसिकली. ठीक है, तो वो जो 12 लोगों को चुनना होता है वो भी कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है. ठीक है, सो 12 मेंबर्स टू द काउंसिल ऑफ स्टेट फ्रॉम अमंग्स पर्सन हैविंग स्पेशल क्वालिटी इन द फील्ड ऑफ आर्ट. यह हमने पहले भी देख चुका था कि कौन लोग ये 12 लोग बनते हैं, अमंग पर्सन हैविंग स्पेशल क्वालिटी इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक और एनी अदर सच फील्ड. ठीक है, तो वो लोग ये 12 लोग बनते हैं. ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई. अभी दूसरा पॉइंट क्या है, टू गिव असेंट और टू द बिल्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट. ठीक है, ये अपन ने पहले भी देखा था कि ये काम प्रेसिडेंट का होता है कि अगर कोई भी बिल, ठीक है, पास कर दिया गया है दोनों हाउसेस के द्वारा, तो अब उसको असेंट देना किसका काम है, प्रेसिडेंट का काम है उसको असेंट देना. ठीक है, तो ये काम भी किसका होता है, प्रेसिडेंट का होता है. ठीक है, देन व्हाट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन. ठीक है, तो प्रोमिलिगेट करता है ऑडियंसेस. ऑडियंसेस मतलब कि जो वन सेकेंड, ठीक है,
तो ये अपना, हाँ अपन कहा थे, हाँ टू गिव एसेंट, मतलब वो सारे बिल्स को एसेंट देता है, ठीक है। और क्या करता है, और जो लास्ट पॉइंट है वो अपना क्या है, टू प्रोमिलिगेट ऑडियंसेस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, ठीक है। तो पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं है तो उस टाइम पे जो ऑडियंसेस है उनको प्रोमिलिगेट करने का काम भी कौन करता है, अपना प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। फिर अपन आगे देखते हैं फाइनेंशियल पावर्स के बारे में। वन सेकेंड, फाइन, ठीक है। अगर अपन फाइनेंशियल पावर्स के बारे में देखें तो प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन मनी बिल्स इज नेसेसरी बिफोर प्रेजेंटेशन इन द हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। तो हमें ये भी पता है कि प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट से पहले जो है पूछना पड़ेगा, अगर हम मनी बिल्स को लगा रहे हैं, मतलब मनी बिल्स को जो है प्रेजेंट कर रहे हैं लोकसभा में, तो उससे पहले हमें किसे पूछना पड़ेगा, प्रेसिडेंट से एक बार पूछना पड़ेगा, ठीक है। एवरी ईयर द प्रेसिडेंट कॉसेस टू बी प्रेजेंटेड अ स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द कंट्री, ठीक है। तो हर साल जो है जो प्रेसिडेंट कॉस करता है एक प्रेजेंटेशन या स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर मतलब कितने पैसे कहाँ कहाँ लग रहे हैं, कितना एक्सपेंड हो रहा है, कितना हमारा बजट है कंट्री के लिए, ये सारी चीजें जो है हर साल प्रेसिडेंट कॉस करता है, प्रेसिडेंट प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल पावर्स में प्रेसिडेंट की इतनी ही पावर है कि बेसिकली अगर मनी बिल कहीं लोकसभा में प्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हमें किससे पूछना पड़ेगा, प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। और अगर दूसरी बात कहें कि जो देश के बजट की बात करें कि देश में देश के लिए खर्च करने के लिए पास कितना पैसा है, कितना आएगा, कहाँ कहाँ किसको लगाना है, तो उस बजट की बात भी कौन करता है, प्रेसिडेंट बजट की बात करता है, प्रेजेंट करता है हर साल ये इनकम और एक्सपेंडिचर, ठीक है। अभी अपन इसमें जुडिशियल पावर्स देख लेते हैं कि भाई जो प्रेसिडेंट है उसके जुडिशियल क्या पावर्स है, ठीक है। तो एक मिनट, यहाँ पे कुछ नोट्स लिखवाने हैं क्या, हाँ देखो लेजिस्लेटिव पावर जो है वो तो ऑलरेडी वो है, क्या बोलते हैं, ऑलरेडी पॉइंट्स में दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑलरेडी पॉइंट्स में दिए हुए, तो मैं इसमें क्या ही लिखवाऊँ, ठीक है। और जो फाइनेंशियल पावर्स है इसमें दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यही बता देती हूँ, ठीक है। दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि बिफोर प्रेजेंटिंग मनी बिल्स इन लोकसभा, सॉरी वी नीड टू टेक The approval of president, right? ये चीज है ना? और second क्या है? और second क्या important चीज है कि हाँ तो ये दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या कि भैया मनी बिल से पहले, मनी बिल को प्रेजेंट करने से पहले लोकसभा में अपन को पूछना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट से उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। सेकेंडली क्या, हर साल जो प्रेसिडेंट है वो एक स्टेटमेंट देता है इनकम और एक्सपेंडिचर, जो भी जितना भी अपन खर्च कर सकते हैं वो कंट्री, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं अपन जुडिशियल पावर्स के ऊपर, ठीक है। सो जुडिशियल पावर्स के ऊपर देखते हैं अपन, सबसे पहला पॉइंट जुडिशियल पावर में, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सो ऑल्सो अदर जजेस ऑफ दीज कोर्ट्स,
ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट ही है वो ही अपॉइंट करता है, जो सॉरी प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसको भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है, दोनों कहीं जो है चीफ जस्टिस है उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। सो ऑल्सो अदर जजेस ऑफ दिस कोर्ट, और उन जो इन कोर्ट के अदर जजेस होते हैं उनको भी यही जो प्रेसिडेंट है वो ही अपॉइंट करता है। द प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज द पावर ऑफ गिविंग पार्डन, ठीक है, और प्रेसिडेंट के पास जो है ये भी पावर है कि वो पार्डन दे सके। ठीक है, ये समझ में आ गया कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या करता है? चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। और जो दूसरे दूसरे जजेस हैं इन कोर्ट्स के, दीज कोर्ट्स के, उनको भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है, और अगर प्रेसिडेंट चाहे तो पार्डन भी दे सकता है। ठीक है, पावर्स विद रिस्पेक्ट टू आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, तो ये देख लेते हैं भैया कि आर्म्ड फोर्सेस के पर्सपेक्टिव में अगर अपन देखें तो उसके कितने पावर्स हैं? किसके? प्रेसिडेंट के। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स, ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट होता है वो सुप्रीम कमांडर होता है आर्म्ड फोर्स का, जैसे कि नेवी हो गई, आर्मी हो गई और एयरफोर्स हो गया, मतलब ये तीन ही है ना, ये तीन ही तो चीजें हैं जो आर्मी बनाती है। सो बेसिकली इनको, इनका जो सुप्रीम कमांडर है वो कौन है? प्रेसिडेंट है, तो ये भी एक बहुत बड़ी पावर है। उसके बाद अगर अपन पॉलिटिकल पावर्स की देखें, द प्रेसिडेंट एंटरटेन्स द हेड ऑफ स्टेट, जो प्रेसिडेंट है वो एंटरटेन करता है हेड ऑफ स्टेट्स को, डिप्लोमैट्स एंड अदर पॉलिटिकल डेलीगेट्स, ठीक है, डिप्लोमैट्स एंड अदर पॉलिटिकल डेलीगेट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, तो प्रेसिडेंट एंटरटेन मतलब कि नाचता नहीं है वो उनके सामने, प्रेसिडेंट एंटरटेन मतलब कि उसकी जिम्मेदारी होती है सारी चीजें देखना, इन लोगों को देखना, हेड ऑफ स्टेट, स्टेट्स के जो हेड होते हैं, डिप्लोमैट्स होते हैं या पॉलिटिकल डेलीगेट्स होते हैं फॉरेन कंट्रीज से, जो बेसिकली पॉलिटिकल रिलेशंस होते हैं उनको देखना भी किसका काम होता है? हमारे प्रेसिडेंट का काम ही होता है इनको देखना भी, ठीक है। द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट इंडिया इन फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, अगर फॉरेन कंट्रीज में जो है कभी बात, मतलब फॉरेन कंट्रीज में कभी भी इंडिया को रिप्रेजेंट करने की बात आएगी तो कौन रिप्रेजेंट करेगा इंडिया को? जो जो अपना प्रेसिडेंट है वही रिप्रेजेंट करेगा इंडिया को। मैं क्या कह रही थी, द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट्स इंडिया इन फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, तो ये भी याद रखना। और एक और चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स विद फॉरेन कंट्रीज आर डन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, तो जो भी डील्स या ट्रीटीज जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्रीमेंट्स जो हो गए फॉरेन कंट्रीज के साथ जो भी किए जाते हैं, तो वो भी किसके नेम के अंडर किए जाते हैं, किसके, या कह सकते हैं किसके सिग्नेचर के बेसिस पे किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बेसिस पे किए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो हमने क्या क्या देख लिया अगर हम इस टॉपिक की बात करें, तो हमने देखा कि भैया प्रेसिडेंट के पावर्स कितने होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक तो ऑर्डिनरी कंडीशंस में होते हैं, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन में होते हैं। उसके बाद हमने ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी की बात ही नहीं करी। उसके बाद हमने देखा कि भैया एक्सिक्यूशन में जो है उनके कितने पावर है, तो हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने का जो जिम्मा है वो भी किसके पास है? अपने क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास है, और फिर प्राइम मिनिस्टर और सॉरी अपना प्रेसिडेंट के पास है, और फिर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों मिलके जो है ये जो बाकी बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, जो भी हैं उनको अपॉइंट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये सारी चीजें जो हैं, ये जो सारे ऑक्यूपेशंस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन अपन देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है उनके पास। ठीक है, तो भैया पार्लियामेंट को का सेशन होल्ड करना, फिर ये जो 12 अलग से मेंबर्स होते हैं, और फिर जो ये पार्लियामेंट के बिल को एसेंट देना रहता है, ये सारी चीजें कौन करता है? लेजिस्लेटिव पावर्स जो है ये उनके पास है। ठीक है, फिर क्या होता है, फाइनेंशियल पावर्स के बारे में अगर अपन देखें, तो फाइनेंशियली जो है मनी बिल प्रेजेंट करना है अगर अपन को, तो लोकसभा में ही होती है वैसे तो, लेकिन अगर लोकसभा में प्रेजेंट करना है तो आपको सबसे पहले किससे पूछना पड़ेगा? प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा। ठीक है, और प्रेसिडेंट जो है वो एक इनकम और एक्सपेंडिचर भी जो है लगा दे, मतलब हर साल के पहले वो एक स्टेटमेंट दे देता है, बजट बता देता है कंट्री का। ठीक
ठीक है। देन जुडिशियल पावर्स में हमने देखा कि जुडिशियल कितने पावर्स हैं, जैसे कि जो चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, वो कौन क्या बोलता अपॉइंट करता है, अपना प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, और जो अदर जजेस होते हैं वो भी कौन अपॉइंट करता है, अपना प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। ठीक है, अगर हम आर्म फोर्सेस के रिस्पेक्ट में पावर देखें तो सुप्रीम कमांडर होता है, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस में जैसे नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर होता है। और पॉलिटिकल पावर्स में अगर अपन देखें तो जो अदर कंट्रीज से, फॉरेन कंट्रीज से जो डिप्लोमेट्स और पॉलिटिकल लीगेट्स आते हैं और जो हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं, ये सब का, इन सब को एंटरटेन करना भी किसका काम होता है, प्रेसिडेंट का काम होता है। फिर जो है अगर फॉरेन कंट्रीज में रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो वो भी कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, हमने देखा कि कैसे जो है ये प्रेसिडेंट के इतने सारे पावर्स के बारे में हमने देखा। अभी ये पूरा जो है ये इन्होंने फिर से इन्होंने स्पेसिफाई नहीं करी है बात, लेकिन ये जितने भी हमने पावर की बात करी, मतलब ये जितने भी हमने पावर डिस्कस किया, ये कहाँ पे था, ऑर्डिनरी कंडीशन के हिसाब से हमने ये चीजें डिस्कस करी है। ठीक है, अब आगे जो है कल की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब कि जब इमरजेंसी हो जाती है तो प्रेसिडेंट के पास कितने पावर्स हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही,